हाय एवरीबॉडी, दिस इज़ इरज़ा खान. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. और इस वक्त मैं हूँ इस्लामाबाद में एंड वी वर स्टेइंग एट दिस ओएसिस रेजिडेंसी. इट्स अ गेस्ट हाउस. इट वाज प्रीटी नाइस. अच्छा रहा हमारा ट्रिप भी और स्टे भी. अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा है तो आई गेस मैंने उसमें मेंशन किया था कि हमें एक हारमोनियम चाहिए था फॉर अ डे इन इस्लामाबाद. और हमें पिंडी के एक बहुत ही प्यारे इंसान हैं, उन्होंने अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि आप हमसे हारमोनियम ले जाएं एंड वी हैव अ शॉप इन पिंडी एज वेल. तो अब हमने उन्हें वापस करने जाना है वो हारमोनियम एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू कम विद मी. मैं आपको दिखाती हूँ कि पिंडी के बीच में लाल हवेली के पास वो एक म्यूज़िक शॉप है और वो इतनी खूबसूरत म्यूज़िक शॉप है. प्लस उनके पास दुनिया के कोई सारे ही हारमोनियम और सारे ही साज मिलते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ पर. तो अब हम चलेंगे वहाँ पर और वो जो शॉप के ओनर हैं, जो हमारे बड़े प्यारे दोस्त बने हैं, उनके फादर जिनकी वो शॉप है, उनसे बात भी करेंगे और आपको डिफरेंट साज भी दिखाऊंगी. और मुझे तो साजों के बारे में कोई ज्यादा जानकारी है भी नहीं, तो ज़िशान मेरे साथ होंगे और आपको उस हवाले से भी बताएंगे. और मैं बड़ा हैरान हुआ कि पिंडी में एक ऐसी म्यूज़िक शॉप है जहाँ पर आपको सारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाते हैं और अच्छी क्वालिटी में मिल जाते हैं. तो जाके देखते हैं, जाके देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं. ओके, गुड बाय सेंट टॉरस. इस्लामाबाद जब भी आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सेंट टॉरस ही नज़र आता है. आपने कहीं आना है, कहीं जाना है तो सेंट टॉरस को हाजिरी जो होती है ज़रूरी होती है. गुड बाय. ओके, सो वी हैव एंटर्ड रावल पिंडी. और ये जो शीशे पे आप ये सब गन देख रहे हैं ना, ये अंदर की तरफ है, ये सब एलिया ने किया हुआ है. सो ये है जी पिंडी. पिंडी है और पिंडी की वाइब जो है वो बहुत ही लाहौर के अंदरून जैसी वाइब है. और जिस जगह पे हमने जाना है वो है बिल्कुल लाल हवेली के पास. हाँ, ये रोड है जो सीधी जाती है लाल हवेली की तरफ, शेख रशीद की हवेली की तरफ. और यहाँ पर जगह जगह बैनर्स और सब शेख रशीद की तस्वीरें. तो ये था हारमोनियम जो हमने वापस कर दिया है शॉप पे. और ये है वो शॉप. हाँ, ये अफगानी भी है और ये गिलगित का ट्रेडिशनल स्टाइल है. इसके नीचे एक बने होते हैं गिलगित का एक ट्रेडिशनल साज है जिसे नौबत भी कहते हैं, लेकिन छोटी नौबत है. कैसे बचता है ये स्टिकों के साथ? ये आ गए ना इसके, ये इसके ना छोटे स्टैंड होते हैं अभी के साथ. सिंपल सा होता है. तो हम इस वक्त इस शॉप पर पहुंच चुके हैं और सर हमारे साथ हैं जिनकी ये शॉप है. उन्होंने मुझे बताया है कि 14-15 साल से ये इस शॉप पे हैं और बनाई है इन्होंने ये शॉप. और यहाँ पे जितने भी सर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए सारे आपने खुद बनाए हैं? जी, हमारे कारीगर हैं, अलग अलग शोबों से वो काम करते हैं. तबला मेकर, इसी तरह ढोलक मेकर, हारमोनियम मेकिंग, मतलब रिपेयरिंग का और भी काम मैक्सिमम हम खुद ही बनाते हैं. कुछ ऐसी एड में हैं जो हम तोड़ के करवा लेते हैं, तो जैसे गिटार्स वगैरह हो गए या ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, सितार, रुबाब, ये हम बनवाते हैं वो इधर मेकिंग में, लेकिन रिपेयरिंग होती है. पिंडी के बिल्कुल लाइक ये सेंटर में है जगह ना जहाँ पर ये शॉप है, ऐसा ही है जी? बिल्कुल मिड में ही है ये, बाग सरदारा में वाकई ये शॉप है. और भी आज शेर साहब खाने और तो हमारे ये करीब जो इलाके हैं, जैसे इस्लामाबाद हो गया, पटवार वाला इलाका हो गया, टैक्सला, ये उनको ये बहुत इलाका में महसूस करता हूँ, उनको करीब पड़ता है. तो लोग आते हैं बाय करने के लिए या सिर्फ इधर की ही आपकी क्लाइंटेज है या फिर मुल्क भर से लोग आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स लेने के लिए? मुल्क भर से भी कह सकते हैं. इस तरह के हमारा बेसिक हमारे जो क्लाइंट्स हैं हमारे वो चर्च से रिलेटेड है. अच्छा. क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग. ओके. उनको इबादत का भी काम है. हाँ, तो 70-80% हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ काम है.
तो लोकल लोग भी आते हैं और जो शौकीन होते हैं जिनको, वो भी आते हैं, जो प्रोफेशनल काम करने वाले लोग हैं वो भी आते हैं। ये हमारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलसिला चलता रहता है। तो अंकल आप मुझे ये बताइए कि जैसे मैं लाहौर से हूँ, मैंने एक हारमोनियम मंगवाना था, मुझे पसंद आ गया जो कि कोलकाता से था। अब वो हारमोनियम मंगवाने में मुझे इतना मसला हुआ कि 6-8 महीने लग गए, फिर वो पहले किसी और मुल्क गया, वहाँ से फिर मेरा एक दोस्त आ रहा था वो लेते हुए आया, लेकिन मैंने जब मैं उस दिन आया था तो मैंने देखा वहाँ पर करतार के हारमोनियम भी थे आपके पास, आपके पास बीना भी, वो जो खास इंडियन रीड्स होती हैं जी, वो भी थी, पालीटाना की जो रीड्स हैं वो भी आपके पास थी। ये तो सारी इंडिया में आसानी से अवेलेबल रहते हैं जी, ऐसे ही है। तो आप इंपोर्ट भी करते हैं? इंपोर्ट इस तरह करते हैं हम, डायरेक्ट तो इंपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इतने सेल भी नहीं है, तो इस तरह करते हैं कि हमारे जो जिस तरह क्वेटा से मंगवा लिया या किसी और शहर से जो वाया दुबई मंगवाते हैं ऑलरेडी मंगवाते हैं डायरेक्ट। वाकई आप सही कह रहे हैं, इंडिया से नहीं आ रहा सामान, तो हमारी आमदोरफ्त बंद हुई हुई है, तो फिर ये वाया दुबई से ये मंगवाते हैं सामान, तो हमें भी जो जो चीज़ ज़रूरत पड़ जाती है आंधी परचेज कर लेते हैं। और अंकल आप, मैंने देखा कि लाहौर के अंदर अभी मैंने एक इंस्ट्रूमेंट मंगवाना था सुरमंडल, तो मुझे पता चला कि लाहौर में 3 लोग हैं जो उसे बनाते हैं। एक तो उस्ताद मुबारक अली खान थे, उनकी डेथ हो गई, अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। दूसरे एक फ्लूट प्लेयर हैं हनीफ, वहाँ पर लाहौर में वो बनाते हैं सुरमंडल, और एक और साहब का मुझे पता चला। तो पूरा लाहौर इतना बड़ा है, तकरीबन ऑलमोस्ट कुछ 4 करोड़ लोगों की आबादी है लाहौर में इस वक्त, लेकिन उसमें 3 बंदे सिर्फ जो हैं वो सुरमंडल बनाते हैं। यहाँ पर आप इतना बड़ा स्टोर, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बिल्कुल सेंट्रल पिंडी के अंदर इतना बड़ा म्यूज़िक स्टोर होगा और ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट इतनी क्वालिटी और तादाद में यहाँ पर बन रहे होंगे, इसके बारे में मुझे बताइए कि आप यहाँ पर आपके अलावा कितने लोग हैं, और ये जो स्टोर है क्या यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है आपका इंस्ट्रूमेंट्स का साथ? नहीं, कोई एक्सपोर्ट करवाना चाहिए, कस्टमर कोई ऐसा आ जाता है उनको, वो तो अलग बात है, लेकिन मेरा ऑलरेडी जो लोकल यानी मुल्क के अंदर के जो लोग कस्टमर हैं जिनको ज़रूरत होती है वो लेके जाते हैं। अलबत्ता आते हैं हमारे पास आजकल अफगानिस्तान से बहुत लोग आ रहे हैं, तो उधर तो आपको पता है म्यूज़िक का रुझान ख़त्म हो गया तकरीबन, लेकिन जो म्यूज़िक से वाबस्ते हैं वो उसको छोड़ नहीं सकते, तो इस तरह आते हैं। इसके अलावा मेरे पास आते हैं ये गिलगित स्कर्दू से आते हैं, आजकल आए भी हैं लोग, तो इधर बैठते हैं, अपना म्यूज़िक से लुत्फ़ानंदोज़ भी होते हैं और इंस्ट्रूमेंट वाइज भी करते हैं, तो हमारा ज़्यादा लोकल। ये पीछे कौन सा इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है नीचे? हाँ, ये क्या चीज़ें हैं? ये तबले के डेकोरेशन भी खाम माल में है, यानी अच्छा, तो ये तैयार हालत में नहीं है। अच्छा, ठीक है। इसको जैसे ये बड़े में इसको हम मदीन भी कहते हैं और चट्टू भी कहते हैं, तबले का एक पार्ट है, तो ये समझ लें कि डेकोरेशन पीस के लिए हमने रखे, अभी इनको तैयार भी करना है। हम कोई इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं? जी जी, मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो और मैं इसमें ये एक बात ऐड करना चाहूँगा कि हारमोनियम या दीगर जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये आपको अवेलेबल फिर भी हो जाते हैं किसी ना किसी तरह, लेकिन इनकी जो ट्यूनिंग टेक्निक है, मिसाल के तौर पे अगर गिटार है या कोई वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है तो उसको ट्यून करने के गूगल पे इंटरनेट पे तरीके मौजूद हैं, लेकिन हारमोनियम जो है उसको ट्यून करना जो है वो ह्यूमनली पॉसिबल है, उसे कोई इंसान ट्यून कर सकता है जिसके कान बहुत सुरमे हैं और जिसे वो सारी फ्रिक्वेंसीज रची हुई हैं जहन के अंदर। तो हमारे साथ अंकल जो बैठे हुए हैं ये हारमोनियम की ट्यूनिंग भी करते हैं, और जो ऑथेंटिक ट्यूनिंग है वो फ्रिक्वेंसीज एग्जैक्टली करते हैं, जो कि बहुत कम लोग हैं जो मैंने देखे हैं जो अच्छा ट्यून करते हैं हारमोनियम, इसके हवाले से भी मुझे बताइए। जहाँ तक काम की बात है, इसमें कोई बंदा कहे कि मैं कम्प्लीट हूँ ये बात ही नहीं है, कोशिश करते हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह के बड़े बड़े अच्छे आर्टिस्ट लोग जो आते हैं वो काम पसंद कर लेते हैं, ये उनकी मेहरबानी है या अपनी काबिश होती है कि एक्यूरेट चीज़ तैयार हो जाए, बाकायदा पूरी पिच पे चीज़ तैयार हो जाए। इसमें 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है ट्यूनिंग में, जस्ट ट्यूनिंग काफ़ी नहीं है, ट्यूनिंग के साथ रीड की बेल्सिंग भी, ताकि जब इसका बाज बाहर निकले तो एक पिच पे एक
एक जैसा बार आए, यानी कोई एक रीड अनबैलेंस है वो बाद में बोल रहा है, पहले बोल रहा है, या किसी का बाज ऊपर है किसी का नीचे, यानी कि रीड बैलेंसिंग, फिर उसका ब्लो का भी बहुत ख्याल करना पड़ता है, ठीक है, नीचे मश्क होती है जो हवा को स्टे करवाती है उसका भी ख्याल करना पड़ता है, इसमें काफ़ी बैलेंसिंग का भी बहुत काम है ट्यूनिंग के अलावा। बहुत बहुत खूबसूरत, और मैं शदीद शुक्रगुजार हूँ इस वक्त हसन का, मेरे दोस्त का, जिसने जो है वो एक फेवर की मुझे अंकल से मिलवाया। ये ज़्यादा बड़ी फेवर थी इससे कि मुझे हारमोनियम की ज़रूरत थी इस्लामाबाद में, तो मैं लाहौर से अपना हारमोनियम ही लेके आया था, तो मुझे हारमोनियम भी दिया, और उससे ज़्यादा शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि मेरी मुलाकात अंकल से हो गई और मुझे इस जगह के बारे में पता चल गया। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ताल्लुक लॉन्ग टर्म चलेगा और हमारी मुलाकातें भी रहेंगी और हमें काम की मुलाकातें भी एक दूसरे से रहेंगी। अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त भी दिया और अपना आनंद भी दिया। भाई इस वक्त भाई के हाथ में एक पुड़ा है क्योंकि अब इस पे वर्का लग चुका है, और भाई से बात करते हैं और पूछते हैं कि भाई ये इस वक्त इस पर क्या लगा रहे हैं और ये किस प्रोसेस से गुजर रहा है इस वक्त। भाई ये इस वक्त किस प्रोसेस में है पूरा? ये अभी तो शुरू किया है मैंने। ठीक है तो ये आयरन है। ठीक है, ये इसके ऊपर लगा रहा हूँ, ये चमड़ा है, ये आयरन लगा रहा हूँ। ठीक है, इससे इसका सुर बनेगा। बिल्कुल सही। ठीक है, तो जैसे जैसे ये इस पे वजन डलता जाएगा तो ये अच्छा होता जाएगा। क्या बात है। तो ख़वातीन हज़रात, ये अब आप इसको देखिए कि कोई भी जो साज है उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत और डेडिकेशन है कि जिसके बाद ये इसमें से सुर बोलता है, उसके पीछे ये भाई जो हैं इनकी मेहनत और इनकी लगन शामिल है कि वो इतनी मेहनत इस एक पुड़े पे कर रहे हैं कि जब ये तैयार होगा और किसी सोलो तबला प्लेयर के हाथ में या किसी के साथ संगत करते हुए कोई बजा रहा होगा तो आप इससे लुत्फ़ उठाएँगे। ये इस वक्त यहाँ पर भी भाई एक पुड़े को लेके बैठे हुए हैं, इसका वर्का लग रहा है इसके ऊपर। भाई बताएंगे अभी ये किस प्रोसेस में है, कहाँ तक पहुँचा है? सर ये अभी शुरू हुआ है। अभी शुरू हुआ है, अभी इसके ऊपर स्याही भी लगेगी। स्याही लगेगी। बिल्कुल सही। भाई आपको कितनी देर हो गई ये करते हुए? सर मुझे हो गया 14 साल हो गया काम करते। माशाल्लाह। और ये तैयार पड़ा है तकरीबन? क्या बात है। ये तमाम जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ये जो चट्टू बोलते हैं इसे और मदीन बोलते हैं, या फिर जब इसके ऊपर फिर चमड़ा लग जाता है, फिर स्याही लगती है, फिर ये जो भाई इस वक्त प्रोसेस कर रहे हैं इसको टाइट करते हैं, तो फिर इसमें से सुर बोलता है। ये ऊपर डफ पड़ी हुई है, ये डफ के जो ऊपर लगता है बिल्कुल एक पीस, जिससे उसकी फिर उसको टाइटन करने से उसमें से सुर बोलता है। ये पूरा सारा रॉ मटेरियल इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर एक भाई तबला पुड़ा बना रहे हैं, एक भाई वहाँ पर उसके ऊपर स्याही लगा रहे हैं, और यहाँ पर इर्ज़ा बैठी अंकल से डिस्कशन कर रही हैं। और ये मेरे वो दोस्त हैं हसन, जिन्होंने हमें हारमोनियम भी दिया, और इनके वालिद साहब का ये म्यूज़िक स्टोर है।